दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर। फ्रेंड्स, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एपी सिंह। और दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं दो ऐसी शानदार गाड़ियों की जिनके ब्रांड भी नंबर वन है। एक है आपका हुंडई और दूसरा है टाटा दोस्तों। और दोनों ने फ्रेंड्स अभी बिल्कुल न्यूली दो गाड़ियां लॉन्च की हैं। हुंडई ने ऑरा लॉन्च कर दी है दोस्तों मार्केट में, आप जानते हैं, जो कि फुलफिल करने वाली है बिल्कुल एडवांस फीचर्स के साथ। उसी तरह उसी टक्कर में टाटा ने लॉन्च की है आपकी एल्ट्रोज, आप जानते हैं, जिसका काफ़ी समय से वेट चल रहा है। और दोस्तों एल्ट्रोज का तो फुल लाइव रिव्यू हम आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए फ्रेंड्स। खास बात, दोनों में सेगमेंट में डिफरेंस है, जहां पर आपके एल्ट्रोज आती है हैचबैक में दोस्तों, और हैचबैक में अब कह सकते हैं ये इंडिया की नंबर वन सेफ्टी वाली कार है, क्योंकि एकमात्र यही भारत में ऐसी कार है जिसे 5 स्टार मिले हैं। अभी तक किसी अनदर कंपनी को 5 स्टार नहीं मिले हैं हैचबैक सेगमेंट में, यानी सेफ्टी में नंबर वन होगी। और जहाँ तक इसके लुक और आप बात करें फीचर्स की, तो वो आप लाइव रिव्यू में देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके साथ शेयर कर देंगे इसी वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स भी। अब बात करें हम ऑरा की दोस्तों, तो ये शेडान कार है, यानी जिस तरीके से टाटा की टिगोर आती है। लेकिन जहां तक प्राइस सेगमेंट आता है, दोनों का लगभग सेम प्राइस सेगमेंट में है दोनों गाड़ियाँ, और फीचर इतने ज़बरदस्त दिए हैं, आप कह सकते हैं बिल्कुल एक एडवांस पीढ़ी आ गई है उन गाड़ियों की जो करंट में चल रही थी। टाटा ने एल्ट्रोज को बनाया है अल्फा प्लेटफार्म पर दोस्तों, जो कि टाटा का न्यूली प्लेटफार्म है, उसकी फर्स्ट हैचबैक कार आपकी ये एल्ट्रोज है। ऑरा ने इसे डिज़ाइन किया है जो एक्सेंट का गैप फुलफिल करने वाली होगी, यानी एक्सेंट को डिसकंटिन्यू करने के बाद में इसे अभी कंटिन्यू है बेसिक, लेकिन उसी स्थान पर इसे प्लेस किया जा रहा है एक्सेंट के स्थान पर दोस्तों। तो ये ऑरा और हैचबैक का सिस्टम है दोस्तों। खास बात यह कि दोनों बिल्कुल एक प्राइस सेगमेंट में होने के बावजूद बहुत सारा डिफरेंस आता है फीचर्स में, तो वो सारे डिफरेंस आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आप जान पाएं आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट का, या कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी कौन सा वर्जन हो सकता है, या आपको फाइनली कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर दोस्तों। तो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लाइव रिव्यू भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों का दोस्तों। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि ऑरा जहाँ पर सेडान कार है, वहाँ पर इसका जो सबसे आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर वर्जन आता है वो है SX ऑप्शन, यानी SX ऑप्शन इसका जो पेट्रोल वेरिएंट, अगर आप पेट्रोल में लेना चाहते हैं तो वैल्यू फॉर मनी वर्जन है इसके फीचर्स के हिसाब से, जो हमने चेक किया है इसका रिव्यू करने के बाद में दोस्तों। तो जहाँ तक इसके फीचर्स की बात है, 1197 cc का इसमें पेट्रोल इंजन आता है, 84 BHP की ये पावर जनरेट करता है। और अगर आप पावर में कंपेयर करें अनदर सेगमेंट होने पर भी हैचबैक की, तो सेम 1199 cc का आपको पेट्रोल वेरिएंट्स में भी मिलेगा, एल्ट्रोज में भी, और 84 BHP की पावर, यानी पावर और इंजन कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की बिल्कुल यहाँ पर सेम मिलती है। एक डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा जो आपका बूट स्पेस आता है दोस्तों, 345 का आपको मिलेगा हैचबैक होने के कारण आपकी एल्ट्रोज में, काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट की गाड़ी में अगर आप कंपेयर करेंगे, काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल डिज़ाइन बनाया है दोस्तों। इसके बाद में ऑरा में देखेंगे तो आपको 405 यानी 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, तो एक डिफरेंस तो यही आ जाता है। इसके बाद में एक और बात है कि जो आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट सिस्टम दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा, यानी कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है या वैनिटी मिरर है, रियर सीट हेडरेस्ट है, या रियर सीट का आपका मिलता है इसमें लंबर सपोर्ट मिलता है, या हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग वगैरह ये दोनों गाड़ियों में मिलता है। टिंट कंट्रोल आपको एल्ट्रोज में भी दोस्तों मिल जाता है। इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ग्लोव बॉक्स कूलिंग, USB चार्जर, सेंट्रल कंसोल, आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलते हैं। प्राइस में ज़रूर डिफरेंस आएगा अगर आप इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स परचेज करेंगे दोस्तों। इसके बाद में बात करें वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो निश्चित रूप से इस रेंज की सभी गाड़ियों में, तो दोनों गाड़ियों में मिलता है। अब सेफ्टी पर भी अगर आ जाएं दोस्तों, तो ABS, EBD, एयरबैग्स, ड्यूल एयरबैग्स, चाइल्ड सेफ्टी, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ये सभी फंक्शंस आपको दोनों गाड़ियों में बिल्कुल बराबर मिलने वाले, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कि आप सेडान में ऑरा लेते हैं या हैचबैक। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं उन नेक्स्ट फीचर्स की आपको दोनों गाड़ियों में जो मिलते हैं, जैसे कि स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक है,
या ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट है, ये दोनों गाड़ियों में मिलेगा। लेकिन एक फंक्शन आता है हिल असिस्ट का, जो आपको ऑरा में मिलने जा रहा है, ये आपको हैचबैक गाड़ी में नहीं मिल रहा है जो अल्ट्रोज न्यूली लॉन्च हुई है। इसके अलावा इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक दोनों गाड़ियों में आपको मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप बात करें इंटरनेट फंक्शंस की, तो दोनों गाड़ियों में मिलेगा। इसके अलावा वायरलेस फ़ोन चार्जिंग आपको केवल ऑरा में मिल रहा है, ये आपको नहीं मिल रहा है अल्ट्रोज के किसी भी वेरिएंट्स में। इसके अलावा ब्लूटूथ है, टच स्क्रीन है, एप्पल कार प्ले है, तो ये सारे फंक्शंस आपको दोनों गाड़ियों में सेम टू सेम मिल रहे हैं। अब डायमेंशन की बात कर लीजिए दोस्तों, यानी कितना डायमेंशन का डिफरेंस आता है। अलग सेगमेंट होने पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर, अगर आप बिल्कुल कैबिन स्पेस की या अन्य स्पेस की बात करते हैं। देखिए डायमेंशन ओरा का है 3995, वहीं पर 3990 आपका अल्ट्रोज का भी मिल रहा है, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप बात करें लेंथ की। अब विड्थ पर आ जाइए दोस्तों, 1680 आपको मिलेगा ओरा में, तो 1755 आपको मिलता है अल्ट्रोज में, यानी अल्ट्रोज और ज़्यादा विड्थ में उससे ऊपर जाती है। इसके बाद में हाइट की अगर आप बात करें, तो 1520 mm की हाइट आपको ओरा में मिलती है, जबकि 1523 आपको मिलेगी अल्ट्रोज में, यानी अल्ट्रोज यहाँ भी ऊपर जाती है। व्हील बेस ले लीजिए दोस्तों, अब 2450 आपका ओरा का मिलता है, जबकि 2500 आपको अल्ट्रोज में मिलता है। यानी टाटा ने बिल्कुल एक आप कह सकते हैं स्टार्टिंग लेवल की, बेस लेवल की गाड़ी डेवलप करने के बाद भी उसे सेडान की कड़ी टक्कर में खड़ा कर दिया है। अब आप आ जाइए टायर पर, तो दोस्तों तो 175/60 R15 की टायर ओरा में मिलने जा रहे हैं, जबकि अल्ट्रोज में यही मिलते हैं 195/55 R16 टायर, यहाँ पर भी आपको इम्प्रूव मिलता है अल्ट्रोज में जाकर। एक और बेटर चीज़ हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, कि अल्ट्रोज को अपने लॉन्च होने से पहले ही हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी होने के बावजूद 5-star रेटिंग मिल चुकी है GNCAP द्वारा, यानी ग्लोबल NCAP टेस्ट जो होता है उसके द्वारा इसे 5-star मिल चुका है। यानी टाटा की आप कह सकते हैं ये हर सेगमेंट में भी एक गाड़ी हो चुकी है। आप जानते हैं सब कॉम्पैक्ट में आपकी नेक्सॉन है, इसके बाद में आपकी हैचबैक सेगमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा अल्ट्रोज का भी। यानी अगर आप नेक्सॉन नहीं परचेज करना चाहते हैं या ऊँची गाड़ियों पर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको हैचबैक में भी बहुत बेटर ऑप्शन टाटा ने दिया है, जिसके लिए हम थम्स अप करते हैं टाटा को इसके लिए। तो ये है फ्रेंड्स ऑल टू ऑल डिटेल न्यूली लॉन्च दो गाड़ियों को, और उम्मीद है आप इस कंपेयर के बाद में बिल्कुल जान पाएंगे कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है, या आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको गाड़ी कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप किसी गाड़ी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, या लाइव रिव्यू देखना चाहते हैं, या यूज सेगमेंट की किसी गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में सीधे लिखिए, आपके हर कमेंट्स का आंसर दिया जाता है विद इन 6 to 24 hours के अंदर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ।